गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपके हिंदी टीचर। बच्चों, जैसा हमने पार्ट 9 शिष्टाचार रीड कर लिया है, इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ भी हम कर चुके हैं। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे, किताब कार्य जरा बोलिए, जिसका इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोलकर देना है। पहला प्रश्न है, किसी बड़े व्यक्ति के बुलाने पर आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? जब आपको आपसे बड़े, आपके घर में मम्मी पापा, आपके दादा दादी, नाना नानी या बड़े भाई बहन हैं, या कोई पड़ोसी अंकल आंटी हैं, आपको जब बुलाते हैं, आपका नाम लेकर बुलाते हैं, तो आपको उसके आंसर में, उत्तर में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? आप क्या कहते हैं? हाँ जी कहते हैं ना, हाँ जी मम्मा, हाँ जी पापा, हाँ जी दादू। तो क्या बोलेंगे आप आंसर में? क्या? हाँ जी और आप कह के भी बात करेंगे और हाँ जी भी कहेंगे। दूसरा प्रश्न है, विनम्रता किन किन के प्रति होनी चाहिए? जो हम विनम्र पोलाइट नेचर होता है ना, सबके साथ अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, मीठी वाणी बोलना, ठीक है, तो ये किन के साथ करना चाहिए? आंसर सभी के साथ करना चाहिए हमें, तो चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, किसी भी उम्र के हों। तो उत्तर में आप लिखेंगे, अपने से बड़े, छोटे व समान स्तर के व्यक्तियों के प्रति। समान स्तर मतलब जो आपकी सेम एज ग्रुप के हैं, ठीक है। जैसे आपसे बड़े जो हैं उनसे भी आप विनम्र से बात करेंगे, छोटे हैं आपके भाई बहन कोई छोटा है तो उससे भी आप मिठाई बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और जो आपके बराबर एज के हैं, सेम एज के, उनके साथ। अगला प्रश्न है, दूसरों की निजी बातों में दखल देना क्या कहलाता है? जब कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में उनकी बात को काटना, उनके बीच में बोलना, दखलअंदाजी करना, वो क्या होता है? अशिष्टता, ठीक है, अशिष्टता। शिष्टाचार का मतलब अच्छा व्यवहार और अशिष्ट बुरा। अगला प्रश्न है, शिष्टाचार से मन को क्या मिलती है? जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, किसी की मदद करते हैं, या कोई आपको अप्रिशिएट करता है, या आपके घर में कोई मेहमान आता है और वो जाते वक्त कहता है कि आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, तो आपको क्या होता है? उससे खुशी मिलती है ना, कि हमें किसी ने अच्छा कहा है, हमें किसी ने प्राइज़ दिया या अप्रिशिएट किया, तो शिष्टाचार से मन को प्रसन्नता मिलती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम करते हैं खालिस्तान, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। आपको हेल्पिंग वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं। यदि कोई हमारी सहायता करते हैं तो हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। क्या है? कोई भी हमारी मदद करता है तो हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए। विनम्रता और दीनता में अंतर है, ठीक है। विनम्रता आपको मैंने बता दिया, किसी से अच्छे से मीठा बोलना, प्यार से बात करना, और दीनता होती है दया भाव। अगर कोई आपके ऊपर तरस कर खा रहा है, आप पे दया कर रहा है, तो वो, इन दोनों में ही अंतर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक। बस रेल की यात्रा के दौरान हमें महिलाओं और वृद्ध जन को सीट देनी चाहिए। आप बेटा बस में, मेट्रो ट्रेन में, कहीं पे भी जाते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि आप वहाँ पे बड़े ओल्ड एज लोगों को, महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के लिए जगह दें, है ना, तो वही इसमें लिखेंगे, महिलाओं और वृद्धजन को सीट देनी चाहिए। इसके बाद फिर ज़रा सोचिए, वह कौन से नैतिक मापदंड हैं, कौन सी मॉरल वैल्यूज़ हैं जिससे सभ्यता संस्कृति का निर्माण होता है? ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं बेटा जिसे अगर आप, हम अपनाते हैं तो उससे पता चलता है कि हम एक अच्छे घर के हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, हमारे माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, हमारा देश बहुत अच्छा होगा, है ना। तो वो आपको इस लेसन में, आपने जिनके बारे में पढ़ा, जो भी पॉइंट आपको बताए गए हैं, वही सब इसका आंसर है। यहाँ आप लिख सकते हैं अनुशासन, विनम्रता, ठीक है, वो सब आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद आता है, सही भाषा पर गौर कीजिए और उचित मिलान कीजिए। जो भी हमारे को सही वाक्य दिए गए हैं छोटे छोटे, तो उनको पढ़ना है और उनको किससे मिलाना है, वो सही उत्तर देखना है। सहायक के प्रति, सहायक के प्रति का मतलब है जब कोई आपकी सहायता कर रहा है। अभी हमने पहला फिलअप पढ़ा ना खालिस्तान, कि कोई सहायता करता है तो क्या करना चाहिए, तो सहायक के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें उसका आभार करना चाहिए, ठीक है। आभार प्रकट करने के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं, तो सहायक के प्रति कृतज्ञता। व्यवहार में, हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए, विनम्रता। वाणी में मिठास,
छोटों के प्रति प्यार स्नेह, बड़ों के प्रति आदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आंसर के आगे नंबरिंग डाल दी। आप चाहें तो आप लाइन डाल के भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपके लिए होमवर्क हैं दो जो आपको खुद करने हैं। मैंने कुछ दो आपको करके दिखाए हैं। शब्दों से, निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है। संयम, संयम का मतलब होता है धैर्य, धीरज। ठीक है, तो हमें सदैव संयम से काम करना चाहिए या हमें सदैव संयम रखना चाहिए। अनुशासन, अनुशासन शिष्टता का अनिवार्य साधन है। हमें अच्छा बनना है, अपने आप को अच्छा दिखाना है, अच्छा हमें हर कोई कहे, तो उसके लिए हमें अनुशासन में रहना चाहिए। आप अगर समय से स्कूल आएंगे, पढ़ाई करेंगे, होमवर्क करेंगे, ठीक है, ड्रेसअप अच्छे से होके आएंगे, तो हर कोई कहेगा कि ये बच्चा हर स्कूल के सारे रूल्स फॉलो करता है, सारे नियम का पालन करता है, बहुत अच्छा है ना। तो अनुशासन जो है वो शिष्टता का अनिवार्य साधन है। विनम्रता, अभी हमने पढ़ा विनम्रता क्या है, व्यवहार में होनी चाहिए ना, तो आप लिख सकते हो कि हमें अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए या हमारी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको 3 करके दिखाए हैं, 2 आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य पढ़ो और बताओ कि इन अवसरों में हमें कैसा आचरण करना चाहिए। कि जो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो जब ये सिचुएशन होती है, इस स्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि जब हम सभा में बैठे हैं, हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, कोई सभा चल रही है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, शिष्ट व्यवहार। ठीक है, अच्छे से बैठना चाहिए, चुप बैठना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। ठीक है, जब राष्ट्रगान गाया जा रहा है, जब हम स्कूल की असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में राष्ट्रगान, नेशनल एंथम बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अटेंशन, है ना, स्टैंडर्डाइज्ड अटेंशन। तो अटेंशन का मतलब क्या होता है, सावधान मुद्रा में सीधे खड़े हो जाना, बिना हिले डुले आपको 52 सेकंड का हमारी जो नेशनल एंथम होती है राष्ट्रगान, उसमें बिना हिले डुले सीधे खड़े होना होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए हमारे को, सावधान मुद्रा में या सीधे खड़े रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अब आप इन तीनों को भी लिखेंगे कि हाँ, जब हम भोजन कर रहे हैं तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, जब घर में कोई मेहमान आए तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जब हमारे लिए कोई कुछ करे तो क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके होमवर्क हैं जिसे आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।